दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। अगर आप मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर टूल, सॉफ्टवेयर टूल्स, केबल्स परचेस करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे। ये बिल्कुल ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शंस मिल जाएगा, तो ज़रूर विज़िट करें mmitgsmtool.com पे। दोस्तों, ये है हमारे पास सनशाइन का इंटेलिजेंट फास्ट लाइटनिंग चार्जर। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आप बॉक्स पे देख सकते हैं, इसका इमेज दिया हुआ है। ये 3.0 स्पीड से चार्ज होगा, यानी ये फास्ट चार्जर है। आपको कोई भी पोर्ट इसमें आप देखेंगे वो फास्ट चार्जर है। तो हम एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है और इसका वर्क जान लेते हैं। दोस्तों, ये मैंने ऊपर बॉक्स ओपन कर दिया है। इसमें आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, जैसे एक तो बॉक्स जो प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा दोस्तों आपके साथ इसके साथ में मिलता है इसका पावर अडेप्टर यानी पावर केबल। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसा है। दोस्तों, ये जो है ये सनशाइन कंपनी का है। आप यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग देख सकते हैं, सनशाइन का यहाँ पे ऊपर ब्रांडिंग दिया हुआ है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे ये देखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें 6 पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट। यहाँ पे टोटल 6 पोर्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे कौन सा आपका कौन से पोर्ट में आपका USB कनेक्ट है और कौन सा मोबाइल आपका चार्ज हो रहा है और भी कितने एम्पीयर से चार्ज हो रहा है, वो डिस्प्ले आपको ये छोटे से डिस्प्ले पे आपको मेंशन किया जाएगा। तो हम उसको भी देख लेते हैं, और पहले हम बॉक्स देख लेते हैं। पीछे के साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पावर कनेक्ट करने के लिए, और इसके ऊपर कुछ ऐसा दिया नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सनशाइन का ब्रांडिंग है। तो दोस्तों, ये है इसके साथ में एक पावर केबल। पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके हम देखते हैं कि मोबाइल में कैसे ये वर्क करता है। दोस्तों, मेरे चार्जर को पावर केबल पे कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप ऊपर डिस्प्ले के साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल 6 डिस्प्ले ऑप्शन दिया हुआ है। सभी में 5 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इसका जो आउटपुट है वो टोटल 5 वोल्टेज दिखाई दे रहा है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 6 पोर्ट दिया हुआ है और यहाँ पे ये 6 इंडिकेटर दिया हुआ है। सभी इंडिकेटर के आप बाजू में देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट 0.00 एम्पीयर। जैसे दोस्तों आप कोई भी मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे जब कनेक्ट करते हैं, जब भी चार्जिंग पे आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन से फ़ोन में कितना एम्पीयर करंट जा रहा है वो आपको यहाँ से मेंशन हो जाएगा, यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे टोटल 6 पोर्ट देख रहे हैं, इसमें से टोटल 5 पोर्ट तो रेड कलर में दिया हुआ है और एक ग्रीन कलर में दिया हुआ है। जो पोर्ट आपको ग्रीन कलर में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है QC 3.0, यानी दोस्तों ये QC का मतलब होता है क्विक चार्जिंग। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आता है जो कि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है तो उसे आप यहाँ पे कनेक्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये सभी जितने भी पोर्ट है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अब हम इसमें 1x1 एक एक करके आप चेक कर लेते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज करंट जाता है और कितना एम्पीयर करंट जा रहा है, उसे आपको इंडिकेट कैसे करता है आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 2 USB है, 2 USB को मैं अलग अलग पोर्ट में यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे मैं एक पहला मोबाइल फोन यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। उसमें एक मोबाइल फ़ोन मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे ही दूसरा एक मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, MI का ही फ़ोन है, मैं उसे भी एक कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट किया है, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2 इंडिकेटर यहाँ पे चलने लगे हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 2 और नंबर 5 ये वर्किंग में आ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, यानी 2 आपको पोर्ट यहाँ पे आपका बिजी है और आप दोनों पोर्ट पे देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल फ़ोन कितने एम्पीयर से चार्ज हो रहा है। जैसे दोस्तों ये जो फ़ोन था ये फुल्ली डिस्चार्ज था, इसलिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट ऊपर आ रही है
और वो धीरे धीरे उसका एम्पलीयर आप अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है। दूसरा मोबाइल फ़ोन है जो कि ऑन था, ऑलमोस्ट फुल है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 0.9 एम्पलीयर करंट के साथ में चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे ये एक फ़ोन है और दूसरा एक फ़ोन है, दोनों में कौन सा कितने एम्पलीयर से ये चार्ज हो रहा है यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा। वैसे ही यहाँ पर टोटल 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चार्जर की मदद से टोटल आप एक टाइम पे 6 मोबाइल फ़ोन चार्जिंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसे मोबाइल फ़ोन का आपका शॉप है, ऐसे आपके पास हो जाते होंगे कि मोबाइल फ़ोन काफ़ी आ जाते हों और रखे रखे डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप ये चार्जर यूज़ कर सकते हो। ये चार्जर की मदद से आप 6 मोबाइल फ़ोन एक साथ चार्जिंग कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे घर पे भी अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहो तो इजीली आप ये घर पे भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों यही था इस प्रोडक्ट में, ये इससे ही एक आपको आइडिया मिल जाता है कि आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकेंड थिंग दोस्तों, ये एक साथ 6 मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकता है, ये इसकी एक मेन खासियत है। तो बताइएगा दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों आप ये प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट mmitgsmtool.com पे, वहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।